जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की आतंकवादियों की कायराना हरकत को केंद्र सरकार गंभीरता से ले रही है। इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भी दिल्ली बुलाया गया है। केंद्र सरकार कश्मीर घाटी में हिंदुओं की वापसी सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास कर रही है। इसी बीच आतंकवादियों की घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की टारगेट किलिंग करने की घटनाओं को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के हालात को लेकर ये उच्च स्तरीय बैठक अगले एक या दो दिन में हो सकती है। इस बैठक में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा होगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात भी की है और कश्मीरी पंडितों के टारगेट किलिंग को लेकर जवाब मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर LG को वार्ता के लिए दिल्ली बुलाया है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा होगी। इस बैठक में NSA अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। पिछले 15 दिनों के अंदर गृह मंत्री अमित शाह इस तरह की दूसरी मीटिंग करेंगे। इस बैठक में केंद्र सरकार कुछ कड़े और बड़े निर्णय ले सकती है। इस बीच श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज एक बैठक कर कश्मीर घाटी में आम नागरिकों विशेषकर हिंदुओं में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना को मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। बैठक में कश्मीर घाटी में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत तैनात विस्थापित कश्मीरी हिंदू और जम्मू प्रांत से संबंधित अन्य कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक सुरक्षित जगहों पर तैनात करने का निर्णय भी लिया गया है। जाहिर है जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की इन घटनाओं पर केंद्र सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है और इस बीच NSA अजीत डोभाल और रॉ प्रमुख ने भी गृह मंत्री अमित शाह से आज अहम मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा हुई है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।